Okay, now we will going to look at one of our industrial part, which is MSME sector. Okay, micro, small and medium enterprises. Okay, so government is having a special focus on MSME sector. Why? वो इस स्लाइड से क्लियर हो जाएगा. ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्यों होगा वो इस नेक्स्ट स्लाइड से क्लियर होगा. डेफिनेशन क्या है एमएसएमई सेक्टर का, कि एमएसएमई कैन बी इन द मैन्युफैक्चरिंग, इट आल्सो कैन बी इन टू द सर्विसेज. ओके, सो व्हेन इट इज इन द मैन्युफैक्चरिंग, सो दिस आर द क्लासिफिकेशन. वी कैन क्लासिफाइड समथिंग एज ए माइक्रो एंटरप्राइजेज इफ इट्स टोटल इन्वेस्टमेंट इन टू द प्लांट. ओके, इन्वेस्टमेंट टू द प्लांट इज 25 लाख. ओके, सो रेवेन्यू के ऊपर क्लासिफिकेशन नहीं है, इट्स इन द क्लासिफिकेशन ऑन द इन्वेस्टमेंट इन टू द प्लांट. ओके, फॉर द माइक्रो स्मॉल के लिए 25 to 5 crores एंड मीडियम के लिए 5 crore to 10 crore. सो दिस यू शुड अंडरस्टैंड. रिमेंबर दैट स्टार्टअप के लिए क्या क्लासिफिकेशन था, स्टार्टअप के लिए 25 लाख रेवेन्यू वॉज द फॉर द स्टार्टअप का क्लासिफिकेशन. ओके, तो वहाँ पर रेवेन्यू का बात हो रहा है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का बात हो रहा है. तो स्टार्टअप इंडिया वहाँ पर डिस्टिंक्शन बना के रखेंगे तो इट विल रिमेन इन टू अवर माइंड. नाउ सर्विस के लिए द रिक्वायरमेंट इज लाइक दिस, 10 लाख अप टू 10 लाख फॉर द माइक्रो, स्मॉल के लिए 10 to 2 लाख 2 crore, मीडियम के लिए 2 crore to 5 crore. नाउ फर्दर दिस ऑल्सो फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री एंड विलेज इंडस्ट्रीज. लाइक कॉटेज इंडस्ट्री जनरली द फैमिली रन बिजनेस. ओके, तो स्मॉल विलेजेस में होता रहता है, लाइक बीड़ी बनाना, दीज आर द कॉटेज इंडस्ट्री टाइप ऑफ थिंग. या ये वो चरखे से धागा कातने हैं तो दैट इज योर कॉटेज इंडस्ट्री. तो जनरली हैंडमेड प्रोडक्ट्स आर मेड इन टू दिस पार्ट. नाउ सो यू कैन सी दैट विलेज इंडस्ट्रीज डिफाइन समथिंग लाइक दिस, वेयर द पर वर्कर इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 15,000 रुपीज. अगर मान लो उस इंडस्ट्री में 2 पर्सन आर वर्किंग, ओके, तो देन वुड बी 30,000 शुड बी द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट टू दैट पर्टिकुलर कंपनी. सो दैट वुड बी क्लासिफाइड एज अ विलेज इंडस्ट्री. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई सेक्टर, सो वन इज द कॉन्ट्रीब्यूशन इन टू द प्रोडक्शन. इफ यू टॉक अबाउट द सी एमएसएमई इज नॉट नेसेसरी टू बी द मैन्युफैक्चरिंग, नॉट नेसेसरी टू द सर्विस, इट कैन बी बोथ ऑफ देम. ओके, सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल एमएसएमईज विच इज इन्वॉल्व इन टू द सेकेंडरी एक्टिविटी, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग 31% ऑफ द जीडीपी एट अ कॉन्स्टेंट प्राइस, एट द बेस प्राइस इतना दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग. वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट टोटल ग्रोथ वैल्यू एडिशन में हाउ मच दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, बोथ इन इन्वॉल्विंग मैन्युफैक्चरिंग प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, टोटल इन्वॉल्वमेंट इज 32% इन टू दिस जी एवी थिंग. ओके, नाउ दिस डेटा इज फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे, सो इट बिकम एन इंपॉर्टेंट डेटा एज वेल. फर्दर 45% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इज बिंग डन बाई द एमएसएमई सेक्टर एंड देर इज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स. ओके, सो बहुत बहुत स्मॉल स्मॉल बहुत नंबर ऑफ यूनिट्स है एंड दे थिंक दैट प्रोवाइडिंग लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. ओके, सो दिस इज इट इज सॉल्विंग अवर एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑल्सो. इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द रूरल एरिया, वट डज दैट मीन, इट बेसिकली मैनी ऑफ द एमएसएमईज आर इन टू द रिमोट एरियाज. ओके, तो वहाँ तक टाटा कंपनी तो अपना प्लांट एस्टेब्लिश नहीं कर रही है, वहाँ पर छोटी छोटी कंपनी दिस एमएसएमई आर एस्टेब्लिशिंग देयर प्लांट्स. तो वहाँ पर इस तरह से दिस रूरल एरिया इज ऑल्सो गेटिंग इंडस्ट्रियलाइज बिकॉज ऑफ दिस एमएसएमई. सो इट्स रिमूविंग द जियोग्राफिकल इम्बैलेंस, ओरिजिनल इम्बैलेंस इट इज रिमूविंग. ओके, हेल्पिंग इन रिमूविंग, रिमूव करा है नहीं करा दैट इज अ टॉपिक, बट इट्स हेल्पिंग, इट्स गोइंग टूवर्ड, बिकॉज एमएसएमई जनरली बींग सेटअप लेट्स इन द रिमोट विलेज ऑफ राजस्थान. सो इन अ वे दैट विलेज इज ऑल्सो गेटिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड. ओके, नाउ फर्दर रिड्यूसिंग द सोशल इम्बैलेंस वाई दिस, यू कैन सी दैट 62% ऑफ द एमएसएमईज आर ओन्ड बाय द एससी एसटी और ओबीसी. ओके, सो मींस वेरी डिसएडवांटेज सेक्टर इज देयर हु इज ओनिंग दिस एमएसएमईज. सो यू कैन सी दैट इट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग द सोशल इम्बैलेंसेज. ओके, फर्दर इट्स हैज अ 40% एक्सपोर्ट कॉन्ट्रीब्यूशन एज वेल. नाउ लुकिंग एट हेयर इट्स इन्वॉल्विंग वन इज द आउटपुट जीडीपी अच्छा हो रहा है, ऑल्दो इट इज बिंग सेड दैट इफ द बिग कंपनीज आर देयर देन दे विल प्रोड्यूस मोर एफिशियंटली, बट या बट ए बेनिफिट इज देयर बिकॉज स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट से यू कैन मेक अ स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड जनरेट अ लॉट ऑफ स्टफ. फर्दर इट इज प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जीडीपी का प्रॉब्लम, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, रीजनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम, सोशल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम और सोशल डिस्पैरिटी का प्रॉब्लम हैज बीन रिजॉल्व बाय दिस एमएसएमई सेक्टर. दैट्स इट्स एन इंपॉर्टेंट सेक्टर. एंड देन दिस इज अगेन यू मे बी सीइंग दैट अगेन आई एम शोइंग दिस पिक्चर बिकॉज स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया में वी हैव सीन दैट मेनी ऑफ द थिंग्स आर देयर विच इज देयर टू हेल्पिंग देम टू स्टार्टिंग स्टार्टअप्स एंड स्टैंडअप स्टार्टअप कंपनीज. नाउ फॉर द एमएसएमई ऑल्सो वी आर हैविंग you can say that some schemes in one of another stages here. Okay, and major jo MSME sector ka sabse bada problem rehta hai, that is the finance problem. Okay, that it is very difficult for them to get the finance.
and if they get the finance, it is being generally given at a very high rate. Okay, so now we will going to see this is the data which is showing the you can see that which is showing the how much difficult for them to get the finance. 4% MSME sector getting credit from the institutional mean, so that you can understand only 4% of person are getting from the institutional mean. Ab ye 4% number kahan se hai? It is from the old economic survey, so not very much reliable number. It may be a little bit more now, so exam mein is tarah ka nahi puchhenge, but a qualitative thing is there that is difficult for them to get a finance. So this data I already told you, it's not important to remember, but yeah, it should give a hint that it's for major challenge for the MSME sector is to get the finance. This year economic survey gave this data. Okay, so now that is whatever the loan government gives, out of that 17.4% goes to the towards the MSME sectors. Okay, and further data shows that, and this qualitative data is there, although they have given the hard data as well, the credit towards the micro and small enterprises has increased compared to the previous year, but medium has decreased. Okay, so this is a, you can say that if you talk about the full MSME sector, that is overall is increased a bit by 1%. Okay, that is this is the thing now, but this is overall there has been growth in the credit. But if you talk about the MSME sector, within MSME sector, so you can see that there is a growth in small and micro enterprises, small and micro and large enterprises. Large mein to lagbhag na ke barabar ka growth hai, but medium has been decreased very much. Okay, so this is what the economic survey. So qualitatively, if you can remember, it's good. Other nahi hai to theek hai, it's okay. I don't think it's so important. What is important ki what the step government has taken to resolve this finance problem. Okay, so like credit guaranteed trust for MSME, so we'll talk about all of these things. Mudra is there, your CERSAI, centralized register of securitization of asset and security interest, that is also there. So what is all these things we will try to understand. TREDS, dedicated MSMEs exchange, SME exchange, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is big, means it's basically Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is like opening, that is no more and more people has opened account into the banks, so that they are coming into the banking network. So let's look at each one by one. So one is the okay, so this is for the finance, and another thing is for other schemes for the MSME, Pradhan Mantri Employment Generation Program. Again, this we will going to see into the employment chapter. Credit guarantee for scheme for MSME for micro and small enterprises. So these are credit guarantee which has been given to small micro and small companies. So it should be remembered, it's not for the medium country, medium enterprises, only micro and small enterprises there. MSME mein MS ko isko diya gaya hai. Okay, what is this credit guarantee scheme, that will go again going to look at ki guarantee kya hota hai, and what actually is the mechanism. Then credit link capital subsidies. Okay, if you are buying in doing some capital, some machine aap buy kar rahe, toh that is again the credit you will be given to you. And for example, you are buying a big machine, and for that big machine you need to take a loan, and us loan ke upar subsidy milega under credit link capital subsidy. Mudra is there. Okay, so Pradhan Mantri Mudra Yojana is there. So let's understand this one by one. Okay, so in this lecture video we will not going to touch upon this part. Okay, because this come only employment wale part mein karenge, employment wale video mein karenge. Apart from that, we'll look at each one by one. So first of all, guarantee ki baat karte hain. Credit guarantee trust for MSME. Okay, so this is a special guarantee trust which has been made for the MSC sectors, not MSME, medium and micro and small enterprise, not for medium, that you should remember. Now how this work? Okay, so let's look at the figure first. So let's say this is CGT MSC. Okay, so now it is being by the government of India, and SIDBI is the owner into this company. Now let's say there is a bank and MSME ne isse loan hai, although it should not be MSME, it should be only MSC. Okay, medium ke baat nahi hai, micro and small ne loan liya, and ideally this should repay the loan to the bank, but generally these are the very small players, and further they don't have the collateral to give the bank to get the loan. Okay, so now what the CGT MSE will do, it will guarantee that okay, in case this MSE doesn't repay the loan, agar loan nahi repay karte, to I will give you the K, that I will repay that loan
okay, so compensate the bank in case MSME, it's not MSME again, it's MSE defaults. Okay, so this is what is the CGT MSE says. I'm again repeating it. Guarantee, although in one of the video also I have already explained it. So guarantee ka matlab kya hai ki ye institution, that is in this case ye institution guarantee kar rahi hai bank ko ki in case jo bhi borrower hai, that is MSME borrower, medium and small, sorry, micro and small borrower hai, if he is not repaying the loan, agar wo loan repay nahi kar raha, to I will repay the loan. So in this case bank is very much comfortable while giving the loan to the MSME, okay, bank ko pata hai ki usko kuch to recover milega. So this is about credit guarantee trust for MSME. So this to access the loan without collateral security. So MSME ke paas agar collateral hota rakhne ko, to tab to guarantee ka zarurat hi nahi hota. Why? Because let's say this person just give the loan, get the loan by putting the his land on the collateral. So us case mein to bank comfortable rehta hai. But when the both small person ke paas don't have enough things to put as a collateral, for that thing we are having the, we are in a way क्रेडिट गारंटी कोलेटरल का रोल अदा कर रहा है. ओके, अप टू व्हाट फैक्टर, 2 करोड़ तक, मतलब 2 करोड़ तक गारंटी दी जाती है, नॉट मोर देन दैट. नाउ नॉट फॉर 100% ऑफ अ लोन, 75% ऑफ द लोन. ओके, 100 रुपीज का लोन अगर लिया है एमएसएमई ने, तो उसमें 75 रुपीज रिटर्न करेगा इन केस देयर इज अ डिफॉल्ट. ओके, सो वैसे ये 75% क्यों करे, वाई नॉट 100%? तो यू कैन अंडरस्टैंड, अगर पूरे का पूरा 100% ही गारंटी होगा तो बैंक तो ऐसे ही लोन बांटना शुरू कर देगा. ओके, ही विल नॉट डू द प्रॉपर चेकिंग. सो दैट्स वाई अगर लॉस कर रहा है एमएसएमई, लोन रिपे नहीं कर पा रहा है, तो देर इज ऑल्सो फॉल्ट ऑफ द बैंक, को भी थोड़ा लॉस लेना चाहिए, अदरवाइज वो लोन फ्री में बांटना शुरू कर देगा. ओके, तो दिस इज अबाउट द क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर एमएससी. एंड इन वन ऑफ द, इससे फायदा क्या होगा इकोनॉमी को, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, लोगों को लोन मिले, सभी ये ज्ञानबाजी है, तो यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ कि मोर एंड मोर पीपल गेट द लोन. ओके, बोरोवर को होगा कि उसका गारंटी हो गया तो आसानी से उसे लोन मिलेगा, थोड़े सस्ते रेट में लोन मिल जाएगा. ओके, MLI को वो कंफर्टेबली लोन देगा. ओके, फर्दर प्रोविजंस का रिक्वायरमेंट कम रहेगा. प्रोविजंस इज द थिंग विच वी स्टडी, विच यू कैन लुक एट इन टू द बैंकिंग लेक्चर्स की प्रोविजंस क्यों क्रिएट करते हैं. ओके, सो दीज आर द थिंग बेनिफिट ऑफ द क्रेडिट गारंटी स्कीम. नाउ इसी लाइन पे जैसे हमारा क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर MSE है, सिमिलरली द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी NCGTC विच इज ऑल्सो गिविंग द गारंटी फॉर लाइक स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया वालों के लिए गारंटीज देता है. सो नाउ लाइक क्रेडिट गारंटी फॉर वेरियस अदर स्कीम ऑल्सो इट गिव्स द गारंटी. तो MSE के लिए अलग गारंटी एजेंसी है, ऑल अदर थिंग्स के लिए गारंटी के लिए वी आर हैविंग द NCGTC. ओके, सो नाउ दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इन टू द स्टार्टअप इंडिया टाइप स्टार्टअप इंडिया वीडियो. देन इज द मुद्रा बैंक. सो एक तो चीज हो गया, अभी हम क्या कर रहे हैं बेसिकली MSE को, MSME को मनी मिल जाए, उनको फाइनेंस थोड़ा ईजी हो जाएगा, इसके लिए क्या क्या स्कीम्स है दैट वी आर लुकिंग एट. ओके, सो वन थिंग इज द गारंटी वाला स्कीम हो गया, अनदर थिंग इज द मुद्रा बैंक, और इट सिंपली कैन बी सेड मुद्रा ओनली. ओके, बैंक तो नहीं कहना चाहिए, इट्स माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी. अगेन नाम में ही सब कुछ हो पाए इसका, कि क्या क्या काम करते हैं उसके नाम से ही पता लग जाएगा. इट्स अ माइक्रो यूनिट कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए डेवलपिंग बैंक, उनको डेवलप कर रहे हैं. ओके, सो फॉर डेवलप का मतलब होगा कि उनको टेक्निकल इनपुट दे रहे हैं, तो वट एवर द इनपुट इज रिक्वायर्ड फॉर अ कंपनी, स्मॉल कंपनी, उसके लिए फर्दर रीफाइनेंसिंग, ऑल्सो रीफाइनेंसिंग द थिंग्स. तो रीफाइनेंसिंग का मतलब मैंने ऑलरेडी इन वन ऑफ द वीडियो एक्सप्लेन इट, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन हेयर. सो लेट्स सी व्हाट इज दिस. सो हिस्ट्री वाइज इफ यू बात करते हैं, तो 1919 में बांग्लादेश में इसका कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, देन इन 2015 में इंडिया में एक कॉन्सेप्ट आया मुद्रा बैंक का. ओके, सो ऑल्दो एट दैट टाइम इट वॉज स्टार्टेड एज अ सब्सिडी ऑफ द CDB, नाउ इट इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन. मुद्रा एजेंसी है अपने आप में, इट्स एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन. पर्पज वन इज दैट इट्स ऑल्सो वन इज द रीफाइनेंसिंग पर्पज, अंदर इज द रेगुलेटिंग पर्पज. ओके, सो लाइक जो भी योर स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहते हैं, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन MFIs, उनको रजिस्टर रेगुलेट करना इज अ डेवलपमेंट, इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मुद्रा बैंक. ओके, सो रजिस्टर रेगुलेट, रीफाइनेंस रेटिंग एक्स्ट्रा, क्लाइंट प्रोटेक्शन इन द लोन रिकवरी. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने लोन लिया, मैं गरीब आदमी, मैंने लोन लिया, आई एम नॉट एबल टू रीपे, तो जनरली स्पेसिफिकली इन द आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था कि माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे स्टार्टेड टू हरासिंग द बोरोवर. तो उस तरह में उस हरासमेंट ना हो बोरोवर का, तो उसके लिए वी हैविंग द क्लाइंट प्रोटेक्शन अगेन इज बीइंग टेकन बाय द मुद्रा. फर्दर टेक्नोलॉजी हेल्प, लास्ट माइल डिलीवरी इज देयर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कंडक्ट कर रहा है मुद्रा बैंक. क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द माइक्रो एंटरप्राइजेस, अगेन गारंटी वाली बात है. नाउ तो गारंटी ये भी मुद्रा भी देते हैं छोटी माइक्रो एंटरप्राइजेस को, स्मॉल एंटरप्राइजेस को. नाउ लेट्स सी इफ यू क्लासीफाइड दिस मुद्रा ऑफरिंग technology enabler, that is technology for the small companies. Okay, so sorry, this technology enabler, credit guarantee to the mudra loans. Okay, so mudra loan jo bhi diye jate hai unko credit guarantee dena. Okay, so see, this is a credit guarantee bhi de rahe hain,
by the name of the mudra loan. Further, development and promotional support. Okay, so again this is like a stop. Now, development and promotional support, as told you, that is developing the small enterprise, like sectoral development, skill development, all those jo bhi hamara gyan baji, that is the thing. Now, important thing, for example, ek to thing, mudra offering is not only money ki term mein baat nahi kar rahe, it's also talking about for the technology, for development, promotion, jo bhi dusri cheez hote hain, unke baare mein bhi baat kar rahe hain. Because generally, mudra ko connect karte hain mudra loan se, but it's not only about the giving the money to the small company. It is also for the other purposes that you should know. Further, one is part is guarantee for the mudra, another is refinancing the loans, okay, which is given by the banks, small banks, NBFC and RRB, for the to the people, okay. And three types ke loan refinance karti hai mudra. One is the shishu loan, kishore loan and tarun loan. Shishu loan is up to 50,000, tarun kishore 50 to 5 lakhs, tarun more than 5 lakh up to 10 lakhs, okay. So this is what is the Pradhan Mantri Mudra Yojana. Okay, Pradhan Mantri Mudra Yojana ye hai, mudra usko implement kar raha hai. Okay, so now refinancing ka matlab kya, one is credit guarantee must be explained to you ki agar maine loan nahi pay kara to meri taraf se my mudra is loan ko repay karega. Okay, if mudra is giving me the credit guarantee. Another is refinancing ka part is something like this. Let's say bank has given loan to the borrower. So refinancing mein kya hoga, mudra utna hi paisa bank ko dega. Okay, it's something like this. 100 rupees of a loan has been given by the bank to the borrowers. Now 100 rupees will be given by the mudra to the bank. Okay, so it is what is this loan is refinance. Pehle bank ne finance kiya borrowers ko, now mudra ne finance kiya dobara se bank ko. Okay, so this is what is the refinancing. So as the repayment will come, that repayment will go to the mudra. Now this is how the things will work. Now the major question which you should discuss ki mudra apne aap hi kyun nahi kar leta, why he is bringing the bank into picture, that is a good question. If it has come into your mind ki mudra khud se kyun nahi kar raha, because mudra ki har jagah branch to nahi hai, it's the bank who are having the branch. To mudra ke paas na hi itni branches hai, na itna network hai geographical that he has he can reach to the every people. Bank can reach to the every people because bank ke paas already network hai. Another thing is that bank is having the capacity to do the risk analysis of the borrower. Okay, yahan par mudra ko utna matlab I would not say knowledge nahi hai, but itna human resource nahi hai ki he will going to do the risk analysis of the borrowers. Okay, to is tarike se is wajah se banks ko beech mein intermediary banayega. Banks, NBFC, it's not only banks, NBFC, MFE, it can be rural regional bank, commercial bank. Okay, so all of those things are there. Now this is about the refinancing. Mindarwa provides the refinancing support to the bank of loan up to 10 lakh. Okay, wo tum samajhte ho ki it can be Kishore, Tarun or there was one more. Okay, so kaun se teen the, Shishu, Kishore, Tarun. Okay, so that you should remember. Mujhe yaad nahi chalega, lekin you should remember Shishu, Kishore, Tarun. Now budget mein apart mudra loan ke liye bare mein kya announce, okay, what the achievement they have told ki they have sanctioned the 4.6 lakh crore of a credit from 10.3 lakh 0.7.3 crores loan. Okay, so this is the thing. Next is 76% of a loan account are of the women and more than 50% from the SCST, means basically disadvantaged sectors ne jyada loan liya isme se. Okay, that you should remember. Okay, so classification mein pooch sakte hain, they may ask into the budget as per the budget who is the most beneficiary of this mudra scheme. Further, target for 3 lakh crore in this year has been there, for this year means 2018-19 year. Further, exceeding the target in all of the previous year. Okay, the humne jitne bhi pichle 2015 se jab se mudra aaya, to hum target we have overachieved the target. Now this is the again one part of the finance part, okay, financing ko support karne ke liye. Next, for the supporting again for the financing is the Central Registry of the Securitization Asset Reconstruction and Security Interest, CERSAI. So let's see what is this. Okay, so let's see, understand within a figure. Let's say this is a person who is owning some land. Uske paas kuch land hai. Wo person bank ke paas jata hai, bhai I want to take a loan and take this land as a mortgage. Isko girvi rakh lo aur mujhe loan de do. Okay, this is the way how things work. So let's say
अगेन दिस बैंक विल गो टू सॉरी अगेन दिस पर्सन विल गो टू सम अदर बैंक, उससे भी लोन लेते हैं, उस पर कहते हैं भाई मेरी लैंड अब मॉर्गेज पे रख लो. ओके, सो दिस इज द थिंग विच इज डूइंग, सेम लैंड को दो जगह मॉर्गेज पे रख रहा है एंड टेकिंग द लोन. अब इट इज नॉट अ गुड थिंग. ओके, सो वाई इट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज इस लैंड के अगेंस्ट ऑलरेडी ही हैज टेकन अ लोन. सो अब उसने ऑलरेडी लोन लिया, तो इनकेस ही डिफॉल्टेड दैट लोन, दिस लैंड से वो यही बैंक तो रिकवर करेगा ना मनी, क्योंकि इस लैंड को मॉर्गेज पे रख दिया. नाउ इफ इज अगेन पुटिंग इट एज ए मॉर्गेज, इट्स अ इलीगल थिंग. ओके, एटलीस्ट दिस बैंक और दिस बैंक को कम्युनिकेट होना चाहिए कि हाँ मैं मॉर्गेज पे रख रहा हूँ, तो ओनली देन यू कैन डू दिस. ओके, नाउ ऑफकोर्स डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, बट इट कैन बी ऑलवेज फज आउट कि डॉक्यूमेंट वैसे एक्चुअली में लैंड के जो रियल डॉक्यूमेंट होंगे दैट शुड गो टू द बैंक टू मीट इज पुटिंग एज ए मॉर्गेज, बट डॉक्यूमेंट को तो आप यू कैन इजली कॉपी. नाउ वट इज द मैकेनिज्म इज देयर, तो इसलिए बैंक थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है वाइल गिविंग द लोन. सो अब इस मैकेनिज्म को दूर करने के लिए जो बनाई गई थी CRSAI, विच इज रजिस्टरिंग द ऑल ऑफ द एसेट विच हैज बीन पुट एज अ सिक्योरिटी. तो जैसे इस लैंड को यहाँ पर सिक्योरिटी की तरह पुट करा गया, ओके दिस लैंड हैज बीन पुट एज अ सिक्योरिटी टू दिस बैंक, तो वो यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा. ओके, यहाँ पर उसको रजिस्टर कर देंगे. नाउ व्हेन दिस पर्सन इज गोइंग अगेन, ओके सो नाउ सॉरी, सो नाउ दिस पर्सन इज व्हेन ही इज गोइंग अगेन टू दिस बैंक टू टेक अ लोन, सो क्या होगा, दिस बैंक विल गो एंड चेक एट CERSC कि भाई ये लैंड पहले से तो नहीं बुक है, तो अब इसे पता लग जाएगा, तो ही विल नॉट गिव द लोन टू इंश्योर दैट बैंक आर नॉट गिविंग द लोन टू द ऑलरेडी मॉर्गेज सिक्योरिटी. तो दैट्स वाई द CERSAI इज देयर कि डबल मॉर्गेज ना कर रहे हो आप. ओके, सो नाउ दिस इज द मैकेनिज्म. ऐसा नहीं कि MSME के लिए कुछ नई चीज़ है ये, इट्स ऑलरेडी देयर, बट MSME वाले सेक्टर्स के पास लैंड नहीं होता, दे डोंट हैव ह्यूज फिक्स एसेट, जनरली देयर हैविंग द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट एंड मेजरली देयर इज अ जो कि लाइक उनके पास इन्वेंट्री वगैरह नॉन फिक्स एसेट ज़्यादा रहता है. ओके, सो नाउ वट द गवर्नमेंट हैज डन कि अब से ये जो CRSC अभी तक तो फिक्स एसेट का रजिस्ट्री रख रहा था, फिक्स एसेट का रिकॉर्ड कर रख रहा था, नाउ ऑन दे ऑल्सो स्टार्ट टू हैविंग द रजिस्ट्री ऑफ अ मूवेबल एसेट विच अलाउज द मूवेबल एसेट टू बी प्लेज्ड टू ऑब्टेन द बैंक मनी. सो नाउ इस यहाँ पर ये मूवेबल एसेट्स को भी एज ए प्लेज कर सकते हैं, मतलब प्लेज तो बैंक के पास कर सकते हैं. नाउ दिस मूवेबल एसेट इज ऑल्सो रजिस्टर्ड हेयर, तो ताकि बैंक विल बी कम्फर्टेबल, हाँ उसको चेक हो जाएगा कि ये मूवेबल एसेट ऑलरेडी प्लेज नहीं हुआ है, ऑलरेडी मॉर्गेज पे नहीं रखा हुआ है, दैट विल बी चेक्ड आउट. अर्लियर ये सिनेरियो नहीं था कि ओनली फिक्स एसेट का ही रजिस्टर था, नाउ मूवेबल एसेट ऑल्सो कैन बी रजिस्टर्ड. नाउ सो इफ आई समराइज द थिंग्स हियर, MSME firm generally don't have a very large amount of fixed assets, so don't have much to put as a collateral. Okay, उसके लिए और भी और steps थे कि guarantee वगैरह हो जाता था, but apart from that guarantee भी आसानी से नहीं मिलता government का, you know that. Okay, so now अब क्या, it's difficult to get the finance क्योंकि उसके बाद mortgage रखने को कुछ नहीं है, तो finance कहाँ से get करें, bank will not ready to give him the loan. So now what is the scenario, movable asset are part of that register of CERSAI, तो movable asset भी register के पार्ट हो सकते हैं. और मूवेबल एसेट, रिमेंबर दैट इज कंपनीज हैविंग द मूवेबल, स्मॉल कंपनी के पास मूवेबल एसेट्स होंगे. लेट्स से कंपनी इज एप्पल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कपड़ा बनाती है, तो कपड़ा इज अ मूवेबल एसेट, कपड़ा बनाने की मशीन आपकी फिक्स एसेट रहेगी. ओके, तो छोटी सी कंपनी है तो एक या दो ही मशीन्स होंगी, ओके छोटी सी जगह होगी, छोटी सी लैंड होगी, तो वो तो वो कोलैटरल पे रखे उसे कितना ही लोन मिलेगा. नाउ इफ कपड़े को भी वो एज ए कोलैटरल रख सकता है, तो इन दैट केस ही विल इजियर फॉर हिम टू गेट अ मनी. ओके, अब कपड़े को कोलैटरल रखने के लिए बैंक के पास एक सेफ्टी मैकेनिज्म होना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है एक ही कपड़े को बार बार वो कोलैटरल पे रख रहा है. ओके, वैसा भी नहीं होना चाहिए, तो दैट्स वाई रजिस्टर हो गया है CRSAI में, तो नाउ बैंक विल बी कम्फर्टेबल, हाँ दिस क्लोथ इज नाउ फॉर मी. ओके, अब इसको एक ही बार कोलैटरल पे रखा गया, अगर अगेन कोलैटरल पे रखा जाएगा तो वहाँ पर रिकॉर्ड में आ जाएगा, बैंक को पता लग गया भाई ये तो ऑलरेडी कोलैटरल चीज को दोबारा से कोलैटरल पे रख रहा है, दोबारा गिरवी रख रहे हैं. तो बैंक का कंफर्टेबल इन गिविंग द लोन अगेन दिस मूवेबल एसेट, सो MSME को थोड़ा सा और बेनिफिट फाइनेंस का इज आउट हो गया कि वो फाइनेंस मिल सकते हैं उन्हें. नाउ दिस इज द वन थिंग, नाउ फॉर द फाइनेंस, नाउ अनदर थिंग फॉर अरेंजिंग द फाइनेंस फॉर द MSME इज डेडिकेटेड SME एक्सचेंजेस, क्योंकि उनके पास एक्सचेंज जो है डेडिकेटेड SME एक्सचेंजेस देयर विच हैज बीन ऑलरेडी देयर, तो ऐसा कुछ नया नहीं है कि दैट इज BSE ने SME एक्सचेंज बना दिया, जहाँ पर स्मॉल स्मॉल कंपनी ही ट्रेड होंगी. ओके, दैट MSME सेक्टर की कंपनी ट्रेड होगी, बेसिकली दे आर टोटल कैपिटल शुड नॉट बी मोर देन 25 crore, दैट इज द थिंग, दैट इज टोटल इशूड पेड अप कैपिटल, टोटल इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी मोर देन 25 crore. ओके, सो हमने बोला था 25 crore तक आपका मीडियम एंटरप्राइज रहता है, तो दैट इज द सेम थिंग दे आर सेम टॉकिंग अबाउट. इनकेस इनका 25 crore से ज़्यादा हो जाता है
पेड अप कैपिटल इट विल ऑटोमेटिकली विल बी रिमूव फ्रॉम द एसएमई एक्सचेंज. एसएमई छोटे लोगों के लिए. ओके सो नाउ इट विल हेल्प देम, इट विल इजियर फॉर देम टू रेज द मनी फ्रॉम द कैपिटल मार्केट. अब एक्सचेंज पे लिस्टेड होने से कैसे कैपिटल मार्केट से मनी लेने में कैसे हेल्प मिलेगी कंपनी को, फॉर दैट यू शुड लुक एट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेक्चर कि कैसे स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी गॉट द बेनिफिट टू टेक द लोन और टू टेक द मनी टू टेक द कैपिटल. नाउ नेक्स्ट फॉर अरेंजिंग द कैपिटल और अरेंजिंग द मनी इज द ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट सिस्टम. तो व्हाट इज दिस, सो उसको पहले एक रो फॉर्म में समझ लेते, देन वी विल टॉक अबाउट द एक्सचेंज के हिसाब से. तो लेट्स से देयर इज अ बायर देयर इज अ सेलर. तो बायर क्या करेगा, गुड्स खरीदेगा, सेलर ने उसको गुड्स खरीदे. लेट्स से दिस इज बायर एंड सेलर हैज गिवन सम गुड्स. लेट्स से क्लॉथ मैन्युफैक्चरर है सेलर एंड ये क्लॉथ बायर जो है वो क्लॉथ बेचते. लेट्स से इट्स अ पेंटालून, बायर इज अ पेंटालून. ओके एंड सेलर इज योर, यू कैन से दैट जो सेल कर रहा है स्टफ, जो कि एक्चुअली में कपड़े बना रहा है और कपड़े सील के पेंटालून को दे रहा है, पेंटालून आगे बाय कर रहा है. तो जनरली जब सेलर बायर को फंड बेचता है तो बायर्स विल गिव देम मनी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ऑन द क्रेडिट कि इट विल सेल ऑन द क्रेडिट. तो सेलर को ट्रेड रिसीवेबल मिलेगा 100 rupees का. ट्रेड रिसीवेबल मतलब कि अगेन इट मीन दैट इफ आई एम हैविंग द ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 100 rupees कि ओवर द टाइम मुझे 100 rupees मिलेंगे फ्रॉम द बायर. ओके अभी मैंने उसे उधार में बेचा मुझे 100 rupees मिलेंगे, जिसे ट्रेड रिसीवेबल भी कह सकते हैं, जिसे आप अकाउंट रिसीवेबल भी कह सकते हैं. नो अब लेट से कि बायर कहता है कि आई विल गिव यू द 100 rupees आफ्टर 3 months. ओके आपको मैं 3 months के बाद मनी दूंगा, जिस 100 rupees आई विल गिव यू आफ्टर 3 months, बट सेलर को अभी मनी चाहिए. ओके तो अब वो बायर बहुत बड़ा है तो उसको नाराज भी नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कह सकता भाई अभी दे नहीं तो मैं नहीं तो तुम्हें कपड़ा नहीं दूंगा, क्योंकि बायर बहुत बड़ा है, पेंटालून इज वेरी बिग बिग कम्पेयर टू अ स्मॉल सेलर. तो नाउ व्हाट द सेलर कैन डू, सेलर कैन गो एंड कैन अप्रोच टू द बैंक एंड वो कहेगा भाई मेरे पास 100 rupees का रिसीवेबल है, दैट आई विल रिसीव आफ्टर 3 months, टेक दैट रिसीवेबल. ओके क्लेम ऑन दैट रिसीवेबल, दैट इज व्हेनेवर द मनी विल कम, बायर विल गिव मी द मनी, दैट मनी विल बिलोंग्स टू यू. ओके दैट क्लेम ऑन द ट्रेड रिसीवेबल विद द बैंक अगेंस्ट दैट ट्रेड रिसीवेबल गिव मी सम मनी. तो वो थोड़ा सा कम मनी दे देगा. ओके मुझे तो 3 महीने बाद मिले, बैंक कहेगा मुझे 3 महीने बाद मिलेगा, तो टेक 90 rupees फॉर मी और 95 rupees वट एवर द मनी वुड बी देयर, दैट इज डिस्काउंटेड मनी. ओके दैट्स इट्स अ ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम. सो नाउ व्हेन एवर दिस बायर विल पे द मनी टू द सेलर, व्हेन एवर ही सपोज टू पे द मनी टू द सेलर, वो मनी वो जाके बैंक को पे कर देगा. ओके दिस इज हाउ द ट्रेड रिसीवेबल सिस्टम वर्क्स. ओके सो जनरली सिंपल स्पीकिंग में अगर मैं बात करूँ, इट्स लाइक दिस, आई एक्सपेक्टेड टू गेट सम मनी, मैंने को आपसे कुछ मनी लेना था, आई हैव द रिसीवेबल नाउ, बट यू विल एक्सपेक्ट टू गिव मी दैट मनी आफ्टर 3 months और 4 months. वट आई विल डू, आई विल गो टू द बैंक एंड विल टेल द बैंक ओके मेरे को 3 महीने बाद 100 rupees मिलेगा, टेक दैट 100 rupees अगेंस्ट दैट एक्सपेक्टेड 100 rupees विच यू विल गेट आफ्टर 3 months, उसके अगेंस्ट मुझे 90 rupees दे दो. ओके दैट इज योर ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम. ओके अगेन यू कैन सी दैट इससे सेलर को काफ़ी हेल्प मिलेगी. और जनरली इस टाइप की फैसिलिटी कौन लेगा, इस टाइप की फैसिलिटी लेगा जो कि छोटा सेलर होगा, छोटा सेलर होगा लेकिन बायर बड़ा होगा. छोटा सेलर मतलब एमएसएमई सेक्टर का होगा. अब मैकेनिज्म कैसे करता है सिस्टम, इट्स वर्किंग लाइक दिस. लेट्स से सेलर है टायर मैन्युफैक्चरिंग है, बायर है होंडा. ओके होंडा योर पावर ऑफ ड्रीम, वो बायर है. नाउ सेलर ने टायर बेच दिया होंडा को, टायर गोज फ्रॉम सेलर टू द होंडा. नाउ होंडा ने कहा भाई आई विल नॉट गिव यू द मनी अप फ्रंट, आई विल गिव द मनी आफ्टर 3 or 4 months. Okay, so the same thing, he will get a trade receivable. Now what he will do, there is a TREDS exchanges, so वहाँ पर एक invoice issue करेगा. Okay, sold goods on the credit, that is the invoice, and that invoice would be accepted by the buyer. कि हाँ होंडा कहेगा कि हाँ मुझे इसको पे करना है. Okay, so that is the same thing, that is I have bought sell the tire to the Honda. Honda ने कहा कि I will pay you after 3 months or some time, whatever the duration, whatever the mutual understanding, I will issue a invoice. वो इन्वेस एक्सेप्टेड बाय द बायर, बायर उस इन्वेस को एक्सेप्ट करेगा. देन दिस एज सून एज बायर एक्सेप्ट दैट इन्वेस, तो ये इन्वेस बन जाएगा ट्रेडेबल. ओके यहाँ पर ट्रेडेबल होगा, यहाँ पर बहुत सारे बैंक्स बैठे हुए हैं, दे विल बीड फॉर द इन्वेस. ओके कुछ बैंक कहेगा कि मैं 98 में खरीद रहा हूँ, कुछ कहेगा 99 में खरीद रहा हूँ, कुछ कहेगा 50 में खरीद रहा हूँ. लेट्स इन्वेस का वैल्यू है 100 rupees, 100 rupees का है टोटल इन्वेस, कि होंडा 100 rupees पे करेगा सेलर को आफ्टर 3 months. लेट्स से तो डिफरेंट बैंक विल bid out for that. Bank one will say that okay, I will give the 50 rupees, another kahega 90 rupees, another kahega 99 rupees. Of course, so jo bhi highest bidder hoga usko ye invoice mil jayega and that money will come to the seller. So yahan par bhi again you can see that, here also you can see that there is an age of finance for the seller. Seller ko
अच्छे से मनी मिल रहा है. ओके सो नाउ दिस इज वेर ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटेड सिस्टम इज. दिस इज हाउ द थिंग्स विल वर्क. एंड रिसेंटली नॉट रिसेंटली एज सच बट दैट आरबीआई हैज लाइसेंस अ फ्यू एंटिटी फॉर टीआरडीएस लाइक आरएक्सआईएल ए ट्रेड मिन सॉल्यूशन. दिस आर नथिंग बट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग द इनवॉइसेस. नाउ अनदर थिंग फॉर अरेंजिंग द फंड फॉर द एमएसएमई फाइनेंस फॉर द एमएसएमई इज दिस योर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जिसमें माइक्रो स्मॉल खादी विलेज इंडस्ट्रीज इज मीन्स एटलीस्ट 7.5% ऑफ द टोटल लोन बाय द बैंक्स शुड गोज टू द स्मॉल इंडस्ट्रीज. ओके सो नाउ इसमें एक ध्यान याद रखना कि ये स्मॉल एंड मीडियम के लिए नहीं, इट्स ओनली फॉर द माइक्रो एंटरप्राइज और खादी बिल्कुल ही छोटे वाले जो होते हैं उनके लिए है.